नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैं चैनल पर। दोस्तों और आज हम बात करने जा रहे हैं यार पबजी मोबाइल के यार ब्लू जोन तो होता है यार पबजी पीसी में भी। तो यार पबजी मोबाइल और पीसी के ब्लू जोन और साथ में पैन के कुछ सीक्रेट्स के बारे में। तो दोस्तों यार पैन वो ही पैन जिसे लेके आप घूमते रहते हैं काले कलर का, ठीक है, मिल जाता है आसानी से घरों के अंदर से। तो यार पबजी मोबाइल में ब्लू जोन और पैन के बारे में आज हम सीक्रेट्स के उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आज आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पता लगने वाली है और पैन और ब्लू जोन के सीक्रेट्स भी पता लगेंगे। तो दोस्तों यार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए उस लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे। तो दोस्तों यार हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि मैंने पहले भी पबजी के फैक्ट्स के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है और उसमें मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों यार सबसे पहले हम आ जाते हैं यार पैन के ऊपर, ठीक है। दोस्तों आपके ख्याल से पैन क्या है? एक काला सा मतलब बर्तन जिसे हम मारते हैं, हेल्थ कम होती है। मतलब आप जब भी पबजी के अंदर जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे या पैन की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो मिली टू वेपन्स के अंदर पैन ही वो वेपन है जिसकी सबसे ज़्यादा डैमेज है। तो दोस्तों ये क्यों है मैं आज आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो इसके क्रिएटर थे उन्हें ये पैन काफ़ी पसंद था, उनके दिल के काफ़ी करीब था, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले पैन को, जब पबजी नई नई आई थी तो यार पैन का फीचर वो ये रखना चाहते थे कि दोस्तों एक पैन का मतलब जैसे एक बंदा है, समझिए आपका एनिमी है, उसने लेवल 3 की वेस्ट हेलमेट पहना हुआ है, पर दोस्तों अगर आपने उसे एक पैन मतलब पैन लेके पीछे से आके एक शॉट मारा और वो पूरी तरह मर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए लेवल 3 के हेलमेट और आर्मर को ये आराम से पेनेट्रेट कर पाता था, पर यार उसके चलते हुए फिर मतलब ऐसा काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया उसके क्रिएटर को कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके कारण उन्होंने ये बंद कर दिया। पर दोस्तों अगर ये बंद ना हुआ था तो आज भी वही होता, आप एक पैन का शॉट मारते और बंदे नीचे गिर जाते। तो दोस्तों यार पैन तो आप जैसे कि जानते हैं बुलेट्स भी रोकता है अपनी, अगर आप सही टाइम पे पैन से मत स्वाइप करेंगे तो आपकी जो आपकी तरफ बुलेट्स आ रही होंगी वो भी रुक जाएंगी। और कभी कभी जब आपके पैन पीछे लटका होता है, कोई आपको पीछे से बुलेट्स मारता है जब आप किसी को रिवाइव कर रहे होते हैं, वो भी आपको लगने से बच जाती है। तो दोस्तों जो इसके क्रिएटर है वो पैन से काफ़ी प्यार करते हैं और वो हमेशा पैन से कुछ अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं ब्लू जोन के ऊपर। तो दोस्तों यार आपके मतलब आप सबके लिए तो ब्लू जोन काफ़ी हॉरिबल होता होगा क्योंकि जब भी आप ब्लू जोन के बाहर और मतलब थोड़े बंदे रहते हो तो आपकी हेल्थ काफ़ी जल्दी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आप सब में काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार ये ब्लू जोन है क्या, काफ़ी लोग कह रहे होंगे ये कोई पॉइजनस गैस है या कोई मतलब ये ऐसी कोई शील्ड सी है, हम इसके बाहर जाते हैं तो हमें मतलब डैमेज लेना पड़ता है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये ब्लू जोन असली में एक इलेक्ट्रिकल शॉक वेव है। तो दोस्तों जब सोवियत थी, जब उन्होंने अपने मतलब आर्मी ने बंदों के ऊपर अटैक किया था तो वो क्या करते थे यार, मतलब बंदों को जल्दी घायल करने के लिए इतने सारे बंदों को, तो वो ज़मीन के अंदर शॉक वेव मारते थे जिनसे बंदों को झटका लगता था और वो गिर जाते थे। तो दोस्तों यही सब कॉन्सेप्ट पबजी में भी लिया गया है। जो वो शॉक वेव होती है वो पहले तो धीरे आती है, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा ब्लू जोन था वो पहले स्क्वायर आकार में रखा जाने वाला था, पर यार फिर उन्होंने सोचा कि जो प्लेयर्स हैं वो आराम से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें मतलब डिसीजंस लेने में आसानी होगी, इसलिए उन्होंने ये गोल रख दिया। तो दोस्तों असली में तो ब्लू जोन एक शॉक वेव है, जब आप उसके बाहर जाते हैं तो आपके प्लेयर्स को शॉक लगने लग जाते हैं जिनसे उनकी हेल्थ डिक्रीज होने लगती है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।